पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर के पिता रंभ नाम का एक असुर थे। रंभ को एक भैंस से प्रेम हो गया था जो जल में रहती थी। रंभ और भैंस के योग से ही महिषासुर का जन्म हुआ। इसी कारण महिषासुर अपनी इच्छा अनुसार भैंस और इंसान का रूप बदल सकता था। कहा जाता है कि महिषासुर ने कठोर तपस्या कर दृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि उस पर कोई भी देवता और दानव विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मदेव के वरदान मिलने के बाद महिषासुर स्वर्ग पर उत्पात मचाने लगा। एक दिन महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने इंद्र को भी परास्त कर दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसने सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। सभी देवगण उससे परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास गए और अपनी समस्या बताई। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश भी महिषासुर को हरा नहीं सकते थे। अतः महिषासुर को मारने के लिए सभी देवता ने माँ दुर्गा का सृजन किया। त्रिदेवों के शरीर से शक्ति पुंज निकलकर एकत्रित हुए। इस शक्ति पुंज ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। माँ दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 9 दिनों तक दुर्गा पूजा मनाई जाती है। वहीं 10वें दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर के मर्दन के कारण ही माँ दुर्गा का नाम महिषासुर मर्दनी पड़ा है।